अलवर के राजगढ़ कस्बे में पानी की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर रास्ता जाम किया। वहीं एसडीएम और तहसीलदार सहित जलदाय कर्मचारियों को आमजन के आक्रोश का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि पानी की मांग को लेकर एसडीएम के निवास पर गए थे। लोगों से अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया। राजगढ़ कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर प्रातः कस्बे वासी एसडीएम आशीष मोदी के निवास पर पहुंचे, लेकिन उस दौरान मोदी वहां मौजूद नहीं थे। सूचना पर मोदी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पानी की समस्या को लेकर आए लोगों से धमकी भरे लहजे में कहा कि इस तरीके से आपके ऊपर राजकार्य में बाधा पहुँचाने का केस दर्ज कराया जाएगा। इस व्यवहार से भड़के लोगों ने तहसीलदार और एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही बाजार में जाम लगाकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। स्थानीय बाशिंदों का कहना था कि राजगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही। इस मांग को लेकर एसडीएम को अवगत कराने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों का यह व्यवहार निंदनीय है। इस दौरान वहां मौजूद संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष खेन सिंह आर्य और पार्षद अनिल गुप्ता सहित काफी संख्या में महिला पुरुषों ने सड़कों पर टायर जलाकर हंगामा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। राजगढ़ परिक्षेत्र में पेयजल की भयंकर किल्लत चल रही है। आज चौथे दिन भी जब पानी की सप्लाई नहीं हुई तो राजगढ़ क्षेत्र के महिलाएं पुरुष काफ़ी संख्या में एसडीएम निवास पर पहुंचे और वहां एसडीएम साहब का जो व्यवहार रहा वो निश्चित रूप से निंदनीय था। उन्होंने जो है कहा कि मेरे यहाँ घर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप कैसे आ गए, ये जो है ट्रेसपास किया है तुमने। इस तरह का व्यवहार अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं लगता। सारे शहर के जो लोग थे, सम्भ्रांत लोग थे, सम्भ्रांत महिलाएं थीं और वो वास्तव में दुखी थी, परेशान थी। वो अपनी मांग रखने के लिए गई, कोई किसी तरह का हाउल्ला नहीं कर रही थी, किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं था। उसके बावजूद भी जो इस तरह का जो व्यवहार हुआ, चाहे वो एसडीएम साहब हो चाहे तहसीलदार जी हो, सब ने जो निंदनीय व्यवहार किया उसकी आज प्रजातंत्र का युग है। सीधी सी बात है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। कोई वो जो है जो लोग थे आम नागरिक थे, महिलाएं थी, उन्होंने किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं किया, वो कोई अभद्रता नहीं की उन्होंने, और उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार आज के युग में। इस प्रकार धमकी क्यों दी गई जनता को, इस प्रकार की धमकी है, इस प्रकार की धमकी दी गई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और राजगढ़ शहर के समस्त व्यापारी और आम नागरिक मिलकर इस विषय में जो विचार करेंगे और हम जो है जल्दी कोई न कोई इस तरह का कदम उठाएंगे जिससे अधिकारियों को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि इस तरह का व्यवहार आमजन के साथ करना ठीक नहीं। अगर आप राजगढ़ के मालिक हैं और आप हमारी वेदना को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। यहाँ के AEN और XEN और JEN कोई टेलीफोन उठाता नहीं है जिससे आम जनता बड़ी परेशान है। आप एक वहाँ से आश्वासन दे रहे हैं कि टैंकर चालू कर दूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आपको हर बार यही है, आपने राजगढ़ की महिलाओं के साथ बड़ा अशोभनीय व्यवहार किया। आपने उनको कहा कि मैं क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगा,